पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कार खरीद फरोख्त करने वाले कारोबारी को उसके ही पार्टनर ने धोखा दे दिया। फरीदाबाद से लौटते समय आरोपी पार्टनर ने व्यापारी को कोल्ड्रिंक में नशे की गोलियां मिलाकर पिला दी, जिससे वो बेहोश हो गया। इसके बाद आरोपी ने व्यापारी के 7,85,000 रुपए और रिवॉल्वर लूट ली। शुक्रवार सुबह पीड़ित व्यापारी नागफनी क्षेत्र में बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा कर दिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर रकम और रिवॉल्वर भी बरामद कर ली। पुलिस अधीक्षक नगर अमित आनंद ने बताया कि सिविल लाइन्स की दीनदयाल नगर कॉलोनी निवासी केवल किशन और नागफनी में झारखंडी मंदिर के पास रहने वाला अदनान कार खरीदने और बेचने का काम करते हैं। गुरुवार को दोनों हरियाणा के फरीदाबाद में कार देखने गए थे। कार का सौदा तय न होने पर दोनों घर लौट आए थे। देर रात पागबड़ा थाना क्षेत्र से पहले आरोपी अदनान ने कोल्ड्रिंक की बोतल में नशे की गोलियां मिला दी। इसके बाद केवल किशन को नशीला पेय पिला दिया गया, इसे पीकर वो बेहोश हो गया। इसके बाद आरोपी अदनान ड्राइविंग सीट पर खुद बैठ गया और केवल किशन की कार नागफनी क्षेत्र में दौलतबाग बिजली घर के पास ले गया और आरोपी बैग और रिवॉल्वर लेकर फरार हो गया। तो थाना नागफनी ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए 4 घंटे के अंदर 7,85,000 की लूट की घटना का सफलतापूर्वक अनावरण किया है। लगभग थाने पर 10 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है जिसका नाम केवल किशन धवन है और इसका एक पार्टनर है अदनान, ये दोनों गाड़ियों को खरीदने बेचने का काम करते थे। ये कल फरीदाबाद गए थे और वहाँ से वापस आ रहे थे। इसके पास 7,85,000 रुपये का कैश और इसकी एक पिस्टल भी इसके पास थी, रिवॉल्वर इसके पास थी। इसने बताया कि इसके साथ जो पार्टनर था ये बेहोशी की हालत में इसको छोड़कर और इसका जो पैसा और जो रिवॉल्वर है लेकर ये फरार हो गया और इसके साथ मारपीट करने की भी इसने बात बताई थी। इसमें तुरंत 3 थानों की पुलिस को लगाया गया, मझौला, पागबाड़ा और नागफनी थाने को इसमें लगाया गया। इसकी गहनता से विवेचना करते हुए क्रम में इसमें जो अभियुक्त है अदनान को गिरफ्तार किया गया। इसमें पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश की, इसे कहाँ इस सफलतापूर्वक अनावरण करते हुए इसमें 100% कैश की रिकवरी और पिस्टल को भी रिकवर किया है। इसने बताया कि ये कल वापस फरीदाबाद से आ रहे थे, लगभग सुबह 5 बजे के करीब इसने पहले से ही जो इसमें केवल किशन धवन है इसको कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिला दिया था, जिससे ये बेहोशी की हालत में था। तब इसने ये कार्य किया और ये पैसे लेके और फिर पिस्टल जो रिवॉल्वर है इसको लेके फरार हो गया।